अनोखे और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कहां 16 करोड़ का इंजेक्शन बचाएगा बच्चे की जान, कहां कंपनी एम्प्लॉइज को दे रही रात में ऑफिस रुकने के पैसे, और दिखाएंगे कि कहां दो महिलाओं के बीच जंग बनी चर्चा का विषय। अजब गजब खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के बीड से आई एक अच्छी खबर के साथ, जहां 18 महीने के बच्चे की दुर्लभ बीमारी से लड़ने के लिए अब उसे मिलेगा 16 करोड़ रुपए का जीन थेरेपी इंजेक्शन जोल गेंसमा, जो उसकी जान बचाएगा। बता दें कि बीट के रहने वाले 18 महीने के बच्चे दत्ता को स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी नाम की एक दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। विदेश से जोलगेंसमा नाम का इंजेक्शन खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक वैश्विक संगठन द्वारा हर महीने विश्व स्तर पर एक लकी ड्रॉ आयोजित किया जाता है। इसी लकी ड्रॉ में हर महीने दुनिया भर से एक मरीज का चयन किया जाता है और उसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन मुफ्त दिया जाता है। बता दें कि दत्ता की बड़ी बहन को भी यही बीमारी थी, हालांकि उसे ये इंजेक्शन नहीं मिल सका था क्योंकि ये इंजेक्शन केवल 2 साल की उम्र में ही दिया जाता है। इस मामले में दत्ता लकी है कि उन्हें ये इंजेक्शन मिलने वाला है। उनका इलाज मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में किया जाएगा। गजब में अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जो दो महिलाओं की मार पिटाई से जुड़ी है। मामला था 45 साल की उम्र की महिला की पायल चोरी का। आरोप लगा 18 साल की लड़की पर, जो वहीं मौजूद थी। इसे लेकर दोनों आपस में भिड़ गई। महिला को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। लात मुक्कों से मारपीट शुरू हो गई। जब ये लड़ाई चल रही थी तो वहां काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस झगड़े को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को दांत से काटने की नौबत आ गई और दोनों महिला जमीन पर लेटकर एक दूसरे की पिटाई करने लगी। मारपीट कर रही ये दोनों महिलाएं एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगी। करीब आधे घंटे तक दोनों महिलाओं के बीच फाइट और लात घूसों की मारपीट चलती रही। आपस में लड़ती इन महिलाओं को देख अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि बाद में अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों को वहां से भगा दिया। अगली खबर एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि हमें भी ऐसी ही जॉब चाहिए, जहां कंपनी ऑफिस में रुकने मात्र के पैसे दे। दरअसल चीन में मौजूद बैंक और इन्वेस्टमेंट फर्म अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुला रहे हैं, साथ ही उनसे कह रहे हैं कि वो ऑफिस में ही रात में रुके। इसकी एक बड़ी वजह है कोविड-19 के बढ़ते मामले और लॉकडाउन। दरअसल इन दिनों चीन के प्रमुख शहर शंघाई में लॉकडाउन लगा हुआ है। चीन के इस शहर में 1000 से ज्यादा फाइनेंशियल संस्थान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां ट्रेडर्स और फंड मैनेजर को 6000 से 23000 रुपए तक प्रति रात ऑफिस में रुकने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने एम्प्लॉयज के डेस्क के पास ही फोल्डिंग बेड भी लगा दिए हैं। एम्प्लॉयज को कंपनी हर तरह की सुविधा देने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी नौकरी तो हर कोई चाहेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।